रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप बाय फुटप्रिंट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर ग्रुप बाय फुटप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स होगा। तो अब हमें ये बता रहा है कि आपने जो रूप कमांड एक्टिवेट की है वो लोएस्ट लेवल पर एक्टिवेट की है, कि आप इसे टॉप लेवल पर सेट करना चाहते हो। तो आपको इसे सिंपली यस करना है। अब जैसे इसे यस करेंगे तो रूफ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये डायलॉग बॉक्स आपको उस वक्त शो करेगा जब आपने लोएस्ट लेवल यानी कि हमने जो कमांड एक्टिवेट की है वो लेवल 1 पर एक्टिवेट की है, और आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी लेवल 1 पर हमने सिलेक्टेड किया वो ऑप्शन दिखाई देगा। देन नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर आप जैसे ही इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जितने भी लेवल इस प्रोजेक्ट में एक्टिवेट है वो सभी लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट, अगर आप इसी लेवल पर ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपको इसे यस करना है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में लेवल 2 पर जाने के बाद जब ग्रुप कमांड एक्टिवेट करेंगे तो आपको वो डायलॉग बॉक्स शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो हमारी टॉप लेवल है वो लेवल 2 है और लेवल 2 पर हमने रूफ कमांड एक्टिवेट किया है, इसलिए वो हमें डायलॉग बॉक्स शो नहीं करेगा। ये डायलॉग बॉक्स सिर्फ उस वक्त शो करेगा जब आप कोई रूफ बना रहे हो और आपकी जो लेवल सिलेक्टेड है वो लोएस्ट लेवल सिलेक्ट और आप किसी लोएस्ट लेवल पर सेट हो, तभी आपको वो डायलॉग बॉक्स शो करेगा। देन नेक्स्ट, रूफ बनाने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ पैनल में से पिक वॉल्स कमांड को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, आप जब भी किसी भी वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की पिंक लाइन शो होंगी। देन नेक्स्ट, आपको सभी वॉल्स को सिलेक्ट करना है। सभी वॉल्स सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके चारों तरफ से एक पिंक लाइन की बाउंड्री शो होंगी, और हर एक पिंक लाइन पर आपको कुछ इस तरह का ट्रायंगल शो होगा जिसमें हमें ये बता रहा है कि इस पिंक लाइन पर ग्रुप कमांड एक्टिवेट है। देन नेक्स्ट, आपको इसे फिनिश एडिट मोड पर सेट करना है। फिनिश एडिट मोड पर सेट करने के बाद अब अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे रियलिस्टिक व्यू या शेडेड व्यू पर सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर रूफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसके चारों तरफ से हमें स्लोप दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट, आप इसे सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा भी आपको ये चाहिए उसे सेट कर सकते हो इस एरो ऑप्शन के ज़रिए। अब दोस्तों, हमने जो ये रूफ बनाया है इसके चारों तरफ हमें स्लोप दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा रूफ बनाना है जिसके सिर्फ दो तरफ ही स्लोप चाहिए और दो जगह पर स्लोप नहीं चाहिए। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से लेवल 2 पर जाना है। देन नेक्स्ट, रूफ कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हम रेक्टेंगल कमांड के ज़रिए रूफ बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा रूफ चाहिए जो कि वॉल से कुछ दूरी पर क्रिएट हो। तो आपको सबसे पहले ड्रॉ पैनल में से रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट करना है। कमांड सिलेक्ट करने के बाद अब हमें वॉल से कुछ दूरी पर रूफ बनाना है। तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी आपको वॉल से दूर रूफ चाहिए उस ऑफसेट को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑफसेट स्पेसिफाई करने के बाद हम जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर इस वॉल पर रेक्टेंगल बनाना है, और आप जैसे ही इस वॉल पर किसी भी कॉर्नर पर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो इस पॉइंट से हमें जो आपने ऑफसेट स्पेसिफाई किया था उस ऑफसेट का डिस्टेंस यहाँ पर पिंक लाइन का शो हो रहा है। देन नेक्स्ट, आपको सेकेंड कॉर्नर स्पेसिफाई करना है। सेकेंड कॉर्नर स्पेसिफाई करते ही हमारी वॉल जो है वो 1 फीट के दूरी पर, हमारा जो रूफ है वो वॉल से 1 फीट के दूरी पर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड के ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो दूरी आपको चाहिए उस डिस्टेंस को स्पेसिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूफ बना सकते हो। अब दोस्तों, हमें इसके चारों तरफ स्लोप नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ दो ही साइड पर हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप को हटाने के लिए आपको जिस भी डायरेक्शन में या जिस भी लाइन पर स्लोप नहीं चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में डिफाइन स्लोप का ऑप्शन मिलेगा जिस पर हमने टिक किया हुआ है। और इसी तरह से आपको, अगर आप प्रॉपर्टी ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिफाइन रूफ स्लोप, जिस पर भी टिक किया हुआ है, और जैसे ही आप इसे अनटिक करेंगे तो हमने जो लाइन सिलेक्ट की थी उस लाइन पर जो ट्रायंगल का सिंबल है वो यहाँ से हट जाएगा।
देन नेक्स्ट। इसी तरह से आप सेकेंड लाइन को भी सिलेक्ट करके इसका स्लोप अनटिक कर सकते हो। अनटिक करने के बाद आपको इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि सिर्फ दो ही जगह से हमें स्लोप दिखाई दे रहा है और बाकी की दोनों जगह पर हमें ये ओपन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी जगह पर आपको स्लोप चाहिए रूफ का, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट करके डिफाइन एंड स्लोप की ऑप्शन को अनटिक कर सकते हो। इतना करने के बाद आप दोस्तों, हमने तो दो यहाँ पर रूफ बनाए हैं जिसमें हमें चार तरफ पर स्लोप दिखाई दे रहा है, एक रूफ में दो जगह पर स्लोप दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमें पूरा फ्लैट रूफ बनाना है। तो उसके लिए भी आपको फिर से रूफ कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हम जो रूफ बनाएंगे वो लाइन कमांड के ज़रिए बनाएंगे। तो आपको यहाँ से ड्रॉ पैनल में से लाइन कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफसेट सेट कर सकते हो। ऑफसेट सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में ही डिफाइन स्लोप का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको जहाँ पर भी रूफ बनाना है इस वॉल पर लाइन कमांड्स के ज़रिए लाइन क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट आपको इसे पूरी तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आपको इस पूरे पिंक लाइन में कहीं पर भी ट्रायंगल का आइकॉन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने डिफाइन स्लोप अनटिक किया हुआ है। देन नेक्स्ट आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करते ही हमने जो रूफ बनाया है वो बन जाएगा। देन नेक्स्ट आप अगर इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से फ्लैट रूफ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जब भी अगर कोई रूफ बनाते हो तो उसी वक्त डिफाइन स्लोप के ऑप्शन को अनटिक करते हुए उस रूफ को फ्लैट रूफ बना सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये रूफ बनाने के बाद पता चलता है कि इसमें हमने कुछ एडिट करना था जो कि हमसे रह गया या करना भूल गए, तो उसे करने के लिए आपको उस रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट फुटप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमने जो रूफ बनाया था उसकी पिंक लाइन, उसकी बाउंड्री हमें यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको ये 3D में प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ से लेवल 2 पर जा सकते हो। लेवल 2 पर जाने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी स्लोप चाहिए आपको उस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन बार में से या तो फिर प्रॉपर्टी ब्राउजर में से डिफाइन स्लोप के ऑप्शन को टिक करते हुए उस लाइन पर, जिस लाइन को आपने सिलेक्ट किया है उस पर स्लोप अप्लाई कर सकते हो। स्लोप अप्लाई करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो आपने जो भी लाइन सिलेक्ट की थी उस लाइन पर कुछ इस तरह से आपको स्लोप दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अगर गलती से किसी भी रूफ में कुछ करना था आपको और आप वो करना भूल गए तो उसे सिलेक्ट करते हुए आप एडिट मोड के ज़रिए उसे एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हमने अभी तक जितने भी रूफ बनाए वो सभी एक लाइन की शेप में थे। अगर आपके पास कोई आर्क या कोई सर्कुलर वॉल है और आपको उस पर रूफ बनाना है तो उस पर रूफ बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर लेवल 2 पर जाना है। लेवल 2 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉ पैनल में से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी ऑप्शन के जरिए, जिस भी कमांड के जरिए आपको रूफ ड्रॉ करना है उस कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो। कमांड सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको वॉल से कुछ दूरी पर रूफ बनाना है तो आप यहाँ से ऑप्शन बार में ऑफसेट स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑफसेट स्पेसिफाई करने के बाद पिक कमांड एक्टिवेट किए तो आप जैसे ही किसी भी वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उस वॉल से आपने जो भी ऑफसेट या ओवर चेंज स्पेसिफाई किया है उस ऑफसेट पर हमारी पिंक लाइन बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको सभी वॉल पर रूफ की लाइन क्रिएट करना है। अब दोस्तों, लाइन क्रिएट करने के बाद अगर आप इसे पूरी तरह से क्लोज नहीं रखते हुए इसे क्लोज करना चाहेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ इस तरह का मैसेज ये शो करेगा, जो आपने रूफ क्रिएट किया है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। और अगर आप इसे पूरी तरह से क्लोज करने के बाद इसे फिनिश मोड पर सेट करेंगे तो ये तभी फिनिश होगा। तो इसे फिनिश करने के लिए आप इस पर पिक लाइन कमांड अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आपको ड्रॉ पैनल में से आर कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट आपको इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आर्क बना सकते हो, या तो फिर आप पिक वॉल कमांड के जरिए ही इस आर्क को बना सकते हो इजीली। आर्क बनाने के बाद
अब आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद अगर आप इस पूरे रूफ को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल का कोई भी आइकॉन दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आपको इस पूरे रूफ में स्लोप चाहिए तो आपको सिंपली इस पूरे रूफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर डिफाइन स्लोप के बॉक्स को टिक करते हुए स्लोप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी एक लाइन पर या किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पर स्लोप नहीं चाहिए तो आपको उस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन स्लोप के ऑप्शन को अनटिक करना है। अनटिक करते ही उस जगह पर स्लोप हट जाएगा। देन नेक्स्ट आपको इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अगर आपको इसमें से फिर से अभी कोई स्लोप नहीं चाहिए, आपको उस रूप को सिलेक्ट करना है। रूप सिलेक्ट करने के बाद एडिट फुटप्रिंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी जगह पर आपको स्लोप नहीं चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन स्लोप के ऑप्शन को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद फिनिश मोड पर सेव करना है। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से वहाँ पर से स्लोप हटकर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की आर्क या किसी भी तरह के वॉल पर रूफ क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने जो प्रोसेस से सभी रूफ क्रिएट किए हैं उसी प्रोसेस से हम इस वॉल पर भी रूफ अप्लाई करेंगे। तो आपको फिर से लेवल टू पर जाने के बाद रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको ड्रॉप पैनल में ऑप्शन बेस्ड है रूफ क्रिएट करने के लिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इस वॉल के हिसाब से आपको रूफ क्रिएट करना है। रूफ क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर फ्लैट रूफ नहीं चाहिए तो उसे फिर से स्लोप अप्लाई करने के लिए आपको उस रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद एडिट फुटप्रिंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इस पूरी पिंक लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्लोप अप्लाई करना है। स्लोप अप्लाई करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करते ही अगर आप इसे देखेंगे तो जो भी हमारी वॉल थी उसी हिसाब से ये हमें स्लोप शो करेगा। तो इस तरह से आप रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी वॉल पर, किसी भी शेप की वॉल पर किसी भी तरह का रूफ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। और दोस्तों, अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी हमने स्लोप नहीं रखा है उस जगह पर हमें वॉल में और रूफ में कुछ गैप दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे गैप को फिल करने के लिए आपको सिंपली किसी भी वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही SA टाइप करेंगे तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्ट में होंगे वो सभी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट होकर दिखाई देंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक वॉल सिलेक्ट की थी और जैसे ही हमने SA टाइप किया तो जितने भी वॉल्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। और दोस्तों, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे और जैसे ही टैप प्रेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से जितने भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं वो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में अटैच टॉप ऑब्लिक बेस का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो अटैच टॉप ऑब्लिक बेस कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में दो ऑप्शन मिलेंगे, टॉप और बेस। तो अब हमें इस वॉल के टॉप को रूफ से अटैच करना है। तो आप जैसे ही रूफ को सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारी वॉल है वो रूफ के बॉटम पर और वॉल का जो टॉप है वो रूफ के बॉटम पर सेट हो जाएंगे, अटैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अब दोस्तों अगर आपके पास कोई इस तरह की वॉल है और आपको इस वॉल का बेस जो है वो रूफ से अटैच करना है और बाकी का नीचे का ऑप्शन, नीचे की वॉल आपको कट करनी है, तो उसे अटैच करने के लिए आपको इस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अटैच ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में बेस ऑप्शन को टिक करना है। बेस ऑप्शन को टिक करने के बाद आप जैसे ही रूफ को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो वॉल का बेस है वो इस रूफ से अटैच हो जाएगा और बेस से नीचे का जो भी ऑप्शन, जो भी हमारी वॉल होंगी वो कुछ इस तरह से ट्रिम हो जाएंगी या डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को बेस या टॉप पर अटैच कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसे फिर से रीसेट करने के लिए आपको इस वॉल को फिर से सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अटैच के बाजू में ही डिटैच का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो
हमारी जो वॉल है वो रूफ से डिटैच हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, इसे फिर से आपको इस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद अटैच ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसे टॉप पर सेट करना है। टॉप पर सेट करने के बाद आप जैसे ही रूफ सिलेक्ट करेंगे तो जो हमने वॉल सिलेक्ट की थी वो रूफ से सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से आपको सभी वॉल को सिलेक्ट करके रूफ के बॉटम से और वॉल के टॉप को सेट अटैच करना है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपके रूफ और वॉल के बीच में गैप होता है उसे अटैच कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब दोस्तों अगर आपको किसी भी रूफ का मटेरियल या उसकी थिकनेस वगैरह चेंज करनी है तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में एडिट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। देन आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने टाइप प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट या किसी भी तरह की रूफ एडिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पहले उस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद ही आपको यहाँ से स्ट्रक्चर में से उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना है। आप जैसे यहाँ पर एडिट पर माउस के लिए बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये रूफ का स्ट्रक्चर का डायलॉग बॉक्स शो करेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको रूफ की थिकनेस चाहिए वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। और देन नेक्स्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से जो भी आपको मटेरियल चाहिए उस मटेरियल को यहाँ पर इस रूफ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी रूफ या किसी भी तरह के कंपोनेंट को रिविट में एडिट कर सकते हो। तो ये थी रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।